विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की संयुक्त बैठक का आयोजन प्रदेश प्रांत संगठन मंत्री नीरज दानूरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र व खुड़िया आदि क्षेत्रों के सदस्यों व पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रांत संगठन मंत्री नीरज दानूरिया ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यदि हिंदू वर्ग नहीं जागा तो जल्द ही भारत में अफगानिस्तान जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी हिंदू भाइयों को संगठित होने की आवश्यकता है। हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं जो प्रत्येक प्रखंड स्तर पर किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 123 प्रखंड है विश्व दृष्टिकोण से, उन सब में ये कार्यक्रम मनाए किए जा रहे हैं। इनमें यह संकल्प लिया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्य को, बैंदल के कार्य को, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के कार्य को, समूचे संगठन कार्य को हम अब पंचायत और वार्ड स्तर पर करेंगे और वहाँ का गठन करेंगे। यह विस्तार हम हिंदुओं को संगठित करने के लिए, जागृत करने के लिए कर रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण ध्यान में आ रहा है, लव जाति घटना ध्यान में आ रही है, अवैध निर्माण पीर मजारें जैसे निर्माण ध्यान में आ रही है, जो सब सरकारी जमीन पर बनकर चले जा रहे हैं। इन सबसे संघर्ष करना है, इन सबको उखाड़ करके फेंकना है और धर्मांतरण करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। इस उद्देश्य से विश्व हिंदू परिषद ने भी संकल्प लिया है कि समूचे हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हम वार्ड और पंचायत स्तर का गठन करेंगे और गठन के सामूहिक शक्ति के आधार पर इनको उखाड़ कर फेंकेंगे। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।